भाई चाली की लाइटिंग पार्टी का खर्चा इसने उठाया था, इसने पटेल ने। और क्या करता भाई, अपनी मैयत पे खर्चा करने से अच्छा था कि चाली की पार्टी स्पॉन्सर कर देता। हमारी प्रॉब्लम समझिए तू भाई, ना आपको ना पुलिस को किसी को सी कंपनी की कोई खबर नहीं। अब आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में हम आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। ए पटेले, अपन लोग कई सालों से मिलके धंधा कर रहे ले, मेरे हाथ के नीचे कितना मॉल्स बिल्डिंग बनाया, कभी किसी ने सामने आने की डेयरिंग तक नहीं की। हाँ, आज साला एक छोटा सा लोचा क्या हुआ तुम लोग। बात बराबर है दत्तू भाई, लेकिन आपकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो इलीगल तरीके से ली गई है ना। जरा सोचिए भाई, अगर कल ये सी कंपनी वहां पहुंच गई तो, और पता नहीं अगली बार कहीं बॉम्बी सुतली ना हो। इसलिए दत्तू भाई, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे से हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। कुछ गलत बोला हो भाई तो आप ही मार दीजिए, वैसे भी सी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं। माफ करना दत्तू भाई, लेकिन इस शहर में आपकी पहले जैसी दहशत नहीं रही। अबे नशाखोर, भाई की दहशत कम हो गई? ज्यादा, घोड़े को लगाम दे। ये लोग सही कह रहे हैं, कमाल है, एक सी कंपनी ने 10 सालों के रिश्ते की मां बहन कर दी। भाई बालाजी, इसको भी भाई ना था। हेलो, एक मिनट। ए मोटू। हाँ भाई। जब आया है तो नाश्ता पानी करा के छोड़ना, ठीक है भाई? भाई जल्दी मिनट, जल्दी मिनट। हाँ शक्ति जी बोलिए। क्या बोलू दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ हाँ, आप रो रहे ली क्यों? चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुल वधु। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी, आप रोइए मत साक्षी जी। जाने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या भाई, सी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच खड़े निकल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ निकाल। दत्तू भाई, आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ में नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। दत्तू भाई, द वन एंड ओनली एकता कपूर, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए क्या? लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर 1 फैंस है क्या? नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएगा मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजीवरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। सला माँ कौन, बेन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते हैं। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये ध्यान। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में करेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान आर्यवीर क्यों है? है क्या सला सुरेश प्रवीण कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना।
फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना, कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, वो सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना, जो तेरे को मांगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है। पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना। वो अपन को कुछ नहीं मालूम, उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए। क्या अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना, सीधा ठोकता। क्या? क्योंकि ये मेरी जवान का सवाल है, समझ गया ना? चलता है। Oh my God! Wait a minute. क्योंकि मेरी जबान का सवाल है, ये नई सीरियल के लिए अच्छा टाइटल, और शुरू भी कैसे होता? जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला यह शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे। इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी, कमाल का आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई देखेंगे, ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे, हाँ देखेंगे, जरूर देखेंगे। तू तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। की सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। हाँ। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना। हाँ। बस अपन सरस है। हाँ। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार ऐसी कंपनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूँ। हर कोई चाहता है इंसाफ, मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई हैं श्रीमती आशा त्रिवेदी मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकार या सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे, ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है, ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा, मेरे एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया, उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं डूड। अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रोबरी करनी है, एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे,